सक्सेसफुल लाइफ जिसको ढूंढते हुए आज मारे मारे इधर उधर सरगर्दां हैं हमारे बच्चे हैं। जिसने तुम्हें पैदा किया उससे पूछें कि सक्सेस क्या है, कामयाबी क्या है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि एक बहुत बड़ा घर बना लेना ये कामयाबी है, या अपनी ज़िंदगी में बड़ी जायदादें बना लेना ये बड़ी कामयाबी है, या एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाए या अच्छी बीवी मिल जाए यही कामयाबी है। कामयाबी का जो मदार है या जो कामयाबी का मेयार है लोगों ने अपने अपने ख्यालात से बना रखा है। हकीकत में कामयाबी वो है जिसे खुद मौला फरमाए, जिसने हमें पैदा किया वो बता दे कि कामयाबी क्या है। तो हमने जो पारा आज तिलावत करना शुरू किया 18वां पारा, उसके शुरू में ही ये लफ्ज आता है, कद अफलहल मुमिनून, बेशक तहकीक के ईमान वाले कामयाब हो गए। या ये नहीं फरमा रहा है रब ताला कि कामयाब होंगे, बल्कि फरमाया कामयाब हो चुके, जो ईमान लाए वो कामयाब हो चुके। कभी कभार ऐसा होता है कि तुम्हारे पास बहुत बड़ी दौलत है लेकिन तुम्हें खुद ही अंदाज़ा नहीं उस चीज़ का, तुम एक कामयाब कौम ईमान वालों की। हाँ, जो बज़ाहिर तकलीफ़ें नज़र आती हैं वो कामयाबी के लिए माने नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे कपड़े पैवन लगे हों तो तुम कामयाब आदमी नहीं हो, अगर तुम्हारा घर झोपड़ी में है तो तुम कामयाब नहीं हो, ऐसा नहीं है। मैं आपसे आज एक सवाल करता हूँ, इस दुनिया ने आज तरक्की के नाम पर साइंस और टेक्नोलॉजी को इतना फ़रोग़ दे दिया है कि न जाने हमारे वहमो गुमान में भी नहीं थी वो चीज़ें वजूद में आ चुकी हैं। आप देख रहे हैं एक जगह से बैठकर दूसरी जगह बातचीत करना और एक दूसरे को देख लेना इतना आसान है कि हम अपने पड़ोस वाले को भी नहीं देख पाएंगे। दुनिया ने बहुत सारी चीज़ें आसान कर दी, टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि वो तरक्की याफ्ता साइंस जो आसमान में उड़ने वाले मशीनें बना दिया जिस पर तुम सफ़र कर सकते हो, इंटरनेट की दुनिया में क्या से क्या बना दिया, तुम्हारे हाथों में पूरी दुनिया लाकर घेर कर रख दिया, मैं इनसे सवाल करता हूँ अगर तरक्की और कामयाबी इसी का नाम है तो फिर ये आज तक औरतों की बलात्कारी और इन्हें गला घोंट कर मारने वाले वाकयात होते क्यों हैं? जब इंसान की बहुत तरक्की हो चुकी हो तो ये औरतें मारी क्यों जाती हैं, घरों में चोरियां क्यों होती हैं, एक दूसरे के कत्ल अब भी क्यों होते हैं, ये डकैत क्यों होते हैं, ये डाका जनी लोगों को लूटना धोखा देना ये क्यों हो रहा है, आज भी है या नहीं है? जमाने जहालत में जो हो रहा था वो सब कुछ है आज, एक दूसरे को कत्ल करना, मारना, माल लूटना, औरतों की इज्जत लूटना, न जाने कितनी औरतें साल में इस्मत दरी की शिकार होती हैं, तुम्हें अंदाजा है हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में रोज औरतें इज्जत दे बैठती हैं दरिंदों के हाथ में। तो मैं पूछता हूं इस तरक्की याफ्ता जमाने में अगर कामयाबी का मेयार यही है जो आज आप समझ रहे हैं तो फिर ये सारी चीजें खत्म क्यों नहीं हुई? आज भी सोनोग्राफी के जरिए से मालूम करके रिश्वत दे करके डॉक्टरों से अगर पेट में बच्ची हो तो उसे पेट में ही मार दिया जाता है, क्या ये वाकयात नहीं हो रहे हैं? आज भी मौजूद है ये वाकयात, आज भी सब चीजें मौजूद हैं। अब मैं आपके सामने एक बात ये पूछता हूं कि अगर ये तमाम चीजें आज भी बरकरार हैं तो इसका मतलब है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने सिर्फ मेटल पर तरक्की किया है, इंसान पर नहीं। इंसान पर जो तरक्की होगी वो उसकी रूह पर तरक्की हो जाए, और ये इंसान की तरक्की कहीं होती है तो गुंबदे खजरा की छाँव में होती है। हाँ, जहाँ पर जिंदा दफन करने वाले लोग अपनी बेटियों को फिर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आते हैं तो वही औरतों की इज्जत के मुहाफिज बन जाते हैं। जो कभी किसी वक्त शराब और नशे और कमार जुआ ये तमाम चीज़ों में मुलविस रहते लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों में और उनकी सोहबत में आने के बाद, जिसको शायर ने क्या खूब अंदाज में अक्कासी की है, तर्जुमानी की है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए,
क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। यह है असल तरक्की। अब मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, मेरा रब फरमाता है कद अफलहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। लेकिन कौन से ईमान वाले? अगर आप सवाल करें कि भाई हम भी तो ईमान वाले हैं, हम सब ईमान वाले हैं, हमारी कामयाबी की अल्लाह सनद दे रहा है, तो क्या हम लोग सब कामयाबों में से हैं? तो फिर आगे की आयतें पढ़नी होंगी आपको। अल्लाह फरमाता है अल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशिउन, वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाते हैं अल्लाह की बारगाह में, हाँ खुशू के साथ, दिल की हुजूरी के साथ अपने मौला की इबादत करते हैं, वो ईमान वाले कामयाब हैं। इतने ही पे नहीं, आगे और आयतें हैं वल्लदीन हुम अनिल लगवी मुअरिदून, और वो ईमान वाले कामयाब हैं जो बेहयाई से बहुत दूर निकल जाते हैं। कहीं अगर बेहयाई बुराइयां हैं तो वहां से कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, वो ईमान वाले कामयाब हैं। फिर वल्लदीन हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, वो ईमान वाले कामयाब हैं जो ज़कात को सही तरीके से अदा करते हैं। वल्लदीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफिज़ून, ये आयत बहुत अहमियत की हामिल है। मौला फरमाता है वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। यहां तक है, इतनी सिफात जिस ईमान वाले के अंदर आ गई वो कामयाब है। चार चीजें यहां पर बयान हुई हैं, ईमान है, नमाज है, बेहयाइयों से रुकना, जकात का देना, और फिर शर्मगाहों का हिफाजत करना। ये बहुत अहम चार चीजें कुरान में बयान की गई ईमान वालों की सिफात में। ये चार चीजें जिसके साथ आई वो ईमान वाला बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब है। अल्लाह ताला हमें इन तमाम चीजों पर